नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज देखेंगे हिंदी का पेपर फुली सॉल्व। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल जुड़ जाइए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, इस पेपर को मैंने फुली सॉल्व कर लिया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका आंसर हमारे आंसर से डिफ़र कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उनको यहाँ पर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, जिस जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा उस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन के साथ तो मार्क किया ही है, और जिसमें भी डाउट है उसमें मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है जी। तो आप देखिएगा, जहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर के आगे मार्क होगा मतलब समझिए उसमें हमें भी डाउट है, और बाकी सब मैंने मार्क कर दिया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये रंग बिरंगी पतंगे बच्चों को किस भावना को व्यक्त करती हैं? तो मेरे हिसाब से होना चाहिए मन की भावना। डायरी लेखक शायद की प्रमुख क्या है? विधा है। क्रिया विशेषण के भेद लिखिए, वहाँ मत बैठिए, वहाँ पे क्या है? स्थानवाचक। इसी तरह आप, मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ, आप आंसर चेक कर लीजिए अपना। ये जैसे आप अपना आंसर चेक कीजिए, इसीलिए मैंने ये नोट किया है। मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, समझिए, सोचिए, जानिए। और आपका आंसर अगर हमारे आंसर से डिफर करता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आए थे जिन्हें नेट पे भी मुझे नहीं मिला। उनमें से एक क्वेश्चन था कि महादेव वर्मा का मूल नाम क्या है। आई थिंक उसमें उस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से वो सरस्वती होना चाहिए, क्योंकि निराला जी उनको सरस्वती कहे जाते थे। मॉडर्न मीरा बोला जाता है उनको, तो अगर ऑप्शन में मीरा होता तो मीरा भी हो सकता था, क्योंकि मॉडर्न मीरा बोला जाता है महादेव वर्मा को। फिलहाल मैं क्वेश्चन पेपर को नीचे स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप नीचे चेक कीजिए। इसे देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ओम थानवी होना चाहिए था, यहाँ पर ओम थानवी होना चाहिए था। कुछ कुछ एरर भी हैं, प्रिंटिंग एरर। तो वीडियो अब लगभग ख़त्म होने वाला है क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, 100 क्वेश्चन हो गया। इस 100 क्वेश्चन में एक गुड अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से 75 प्लस होना चाहिए। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है हिंदी का। मैं कोशिश करूंगा कि कल पेपर 2 यानी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के क्वेश्चन आते हैं उसका भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।